बारी है भाई और यश भैया की। सबसे पहले हमारे गिफ्ट, वो तो रेडी है ना? ले लेना गिफ्ट भी, पहले राखी तो बांध दो। अरे भैया लेने नहीं है, देने हैं। निकालो। ये मेरे डफर भाई के लिए। नन्नू ये तुम्हारे लिए। आप सारे भाई हमारे सुपर हीरोज हो, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करोगे, है ना? सिवाय मेरे, क्योंकि ये जो मेरे सारे भाई है वो सब है सिंगल पसली और मैं हूँ ट्रिपल पसली, तो टेक्निकली मुझे तुम सबकी रक्षा करनी चाहिए, राइट? ये कितना गंदा है, मैं ऐसे दिखता हूँ? अरे बेटा रोते नहीं ऐसे त्योहार के दिन? हाँ देखो ना, हम सबके स्केच भी ऐसे ही है, हम क्या ऐसे दिखते हैं क्या? रहने दो यश, इसे ना बस हर बात पे खींचना और ऐसी झगड़ा करना आता है। घर से समझा के लाई थी ना, फिर भी। अनमोल बेबी प्लीज डोंट क्राई। देखो मैं ना अपने ऑफिस के आर्टिस्ट से स्पेशली तुम्हारे लिए एक अलग सा स्केच बनवाऊंगी, ठीक है? अब राखी स्टार्ट करें प्लीज। नहीं नहीं, अभी तो एक और चीज देना बाकी है। इनको देख के लग रहा है कि कब दादा आएंगे और कब हम उन्हें ऐसे ही स्पेशल फील कराएंगे। के लिए। ओह सो स्वीट, ये कार्ड आपने खुद बनाया? थैंक यू सो स्वीट। ये क्या लिखा है? हैप्पी राखी बीबी। अरे बुद्धू बीबी नहीं दीदी। और हैप्पी की स्पेलिंग देख कितनी गलत लिखी है। मिष्ठी ऐसे नहीं बोलते हैं ना। मिष्ठी जी, हमने आपको कल क्या समझाया था? अगर कोई अपने हाथ से आपके लिए कुछ बनाता है, इट मींस वो आपको स्पेशल फील कराना चाहता है, आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, और लिटिल सिस्टर दूसरों के प्यार का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, है ना? और मिष्टी बच्चा एक बात तो बताओ, उसने हमारे लिए सोचा, हमारे लिए इतनी मेहनत करके कार्ड बनाया, तो हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए ना, न कि हंस पे हंसना चाहिए। सॉरी नन्नू भैया। इट्स ओके भाई, सबने गिफ्ट दे दिए, अब आप भी तो अपने गिफ्ट दे दो। नायरा वो तुम लोगों के गिफ्ट वहां रखे हैं टेबल पे, जाओ जाके ले लो। मैं पहले जा रही हूँ। वो आपको कैसे पता? तुम कल आए, मैं समझ गई थी तुम बहुत परेशान से लग रहे थे, और मैंने देखा तुम्हारे हाथों में भी गिफ्ट्स नहीं थे, तुमसे पूछती तो तुम कुछ बताते नहीं, इसीलिए यश को फोन किया। सॉरी भाई, लेकिन एक तो तू इतना अपसेट था और मामी ने प्रॉमिस किया था कि वो गुस्सा नहीं करेगी। इट्स ओके डुगू, तुमने अपने दोस्त की मदद की इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। इंसान अगर एक बार धोखा खाए इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरी बार किसी पे भरोसा ही नहीं करेगा, पर फिर भी हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए ताकि कोई हमें बेवकूफ ना बना सके। पर मम्मा वो मेरी फर्स्ट सैलरी थी और उसने। अरे डुकू, फर्स्ट सैलरी थी, लास्ट थोड़ी ना थी, अभी तो तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है सैलरी कमाने के लिए, बहुत सारी ऐसी सैलरीज आएंगी। हाँ तब तक ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। हाँ लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना,
तुम्हारी सैलरी में से कटेंगे। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, पर मैं उस सैलरी से आप सबको गिफ्ट देना चाहता था। कोई बात नहीं है बेटा, इस बार नहीं अगली बार सही। वैसे भी इस बार हमें तुम्हारा गिफ्ट मिल गया क्योंकि तुमने एक सबक सीखा है। और दूसरा ये गिफ्ट है, मुझे यश ने बताया उसे तुम्हें पैसे ऑफर किए थे और तुमने नहीं लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच भाई, आई लव मकी बोन। चीकू, आई एम जस्ट वंडरिंग कि तूने इतना सोच समझ के अपनी अकल लगा के हम सबके लिए अपनी पसंद के गिफ्ट कैसे लाए। थैंक यू वेरी मच। हाय मॉम, कैसी हैं आप? तुम लोगों के बिना कैसी हो सकती हो? आई एम सॉरी मॉम, आप तो मेरी वजह जानती ही है ना यहाँ आने की। तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। अच्छा मॉम, दादा निकल गए क्या? यहाँ तो हम सब कब से वेट कर रहे हैं उनका। वो तो कब का निकल गया है? उससे भी बहुत जल्दी थी आने की, वो टाइम पे पहुँच जाएगा। ऐसा लग रहा है कि कब दादा आएंगे और इतने बरसों के बाद मैं खुद अपने हाथों से उनकी कलाई पर राखी बांधूंगी। वो भी तुम्हें स्पेशल गिफ्ट देने के लिए इस तरह उतावला हो रहा था कि पूछो ही मत। हाँ मॉम, वो कुछ स्पेशल गिफ्ट के बारे में दादा कह रहे थे, पता नहीं क्या। आपको कुछ पता है क्या? हाँ है तो, पर अभी से बता के तुम्हारा सरप्राइज नहीं खराब करना चाहती। लेकिन इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। दादा और भाभी दोनों ही, मैं बहुत लकी हूँ मॉम। सही में तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो दोनों। अच्छा अच्छा, मैं रखती हूँ। गिफ्ट मिलते ही मुझे फोन कर देना ये बताने के लिए कि तुम्हें पसंद आया कि नहीं। बाय मॉम। ओके बाय। अक्षरा, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? नहीं, वो नैतिक फोन नहीं उठा रहे हैं। हे भगवान। भाभी माँ, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। मुझे तो बस इसलिए बुरा लग रहा है कि दीदी रश्मि दोनों वेट कर रहे हैं नैतिक का। वो बात नहीं है बहू, वैसे भी वो बहन के काम से तो गया है। बस ईश्वर करे जिस काम से वो गया है वो हो जाए। पर मुन्ना ने कुछ बताया नहीं अभी तक। नहीं भाभी माँ, अभी तक नहीं बताया, कह रहे थे आएंगे तभी बात करेंगे। क्या बताएंगे आपके दादा? वही, वो जिस काम से गए हैं कैसा हुआ, लोग कैसे थे, मीटिंग कैसी रही, बात बनेगी या नहीं बनेगी, बस उसी बारे में। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग चाहते हैं कि उनसे जिंदगी भर का रिश्ता बन जाए, इसलिए हम नैतिक ही आके बताएंगे कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा। आने दो दादा को, कब से हम वेट कर रहे हैं, आएंगे ना, खूब झगड़ा करूंगी मैं उनके साथ। दीदी ने बताया कि आप दोनों एक जैसा तोहफा ले आए, दिखाइए तो क्या है। हम दिखाते हैं, यही है हमारे पास। ये खाली कैसे, हमने तो इसी में रखी थी। पर क्या था उसमें? वो चांदी की मूर्ति थी। फिर गायब कैसे हो गई? कहीं गायब नहीं हुई है, ये रही। ये आपके पास कैसे? बिस्तर पर छोड़ दी थी आपने, जहाँ बैठ कर पैकिंग कर रहे थे, इसे ही निकाल के किनारे रख दिया और खाली डब्बा पैक कर लिया। ठीक है, लेकिन आपने पहले बताया क्यों नहीं हमें, हम अपनी बहन को ये खाली डिबिया दे देते। ऐसे कैसे दे देते, उससे पहले बता देती मैं आपको, बस आपका ये ऐसा चेहरा देखना था मुझे एक बार। लीजिए अब दोबारा पैक कीजिए इसे। धन्यवाद। धन्यवाद मत कहिए शौर्य के बाबूजी, मेरी भी कुछ लगती है वो। हाँ हेलो। हाँ नैतिक, क्या फ्लाइट छूट गई? कब, कैसे? अब क्या बताऊं अक्षरा, पहले टैक्सी खराब हो गई, फिर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले इतना बड़ा जाम लग गया कि पूछे मत। तो अब नेक्स्ट फ्लाइट कब की है? मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो पहली फ्लाइट मुझे मिलेगी ना मैं आ जाऊंगा। नैतिक जल्दी कीजिए, सब लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे आपका। मैं खुद जल्द से जल्द पहुंचना चाहता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, जैसे कुछ होता है ना मैं आपको बताऊंगा। ओके, कब आएंगी हमारी बहन, भूख के मारे अब रहा नहीं जा रहा। फोन करके पूछे क्या? बिल्कुल नहीं, सब्र कीजिए थोड़ा, आप लोग तो बच्चों से भी ज्यादा बेताब हो रहे हैं। बेताब क्यों नहीं होंगे, इतने वर्षों बाद आज ये दिन है। एक रिश्ते के टूटने से बाकी सारे रिश्तों में खिंचाव आ गया था, अब वो सब खत्म हो गया है। आज का रक्षाबंधन बहुत ही विशेष है हमारे लिए।
पता नहीं अंशु और शौर्य कहाँ रह गए। कहाँ क्या भाभी, वही गए हैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट ढूंढने। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बहन के लिए कोहिनूर हीरा ही ढूंढ के लाएंगे। सच में दीदी, अक्षरा से पूछिए ना, अभी तक निकले कि नहीं। अभी फोन करती हूँ छोटी। इतने सालों बाद हम उसे खुद राखी बांधने वाले थे। सच कहूँ ना नंदिनी दीदी, उनका भी बिल्कुल मन नहीं था जाने का, काम था इसलिए चले गए। और दूसरी बात, इसीलिए उन्होंने वापसी की टिकट सुबह सुबह की रखी थी ताकि राखी टाइम पर हो जाए। नमन को राखी बांध कर तुम दोनों कुछ खा लो। नहीं बाबूजी, वो बात नहीं है, हम वेट कर लेंगे। इतने सालों तक हमने नैतिक को इंतजार कराया है, हमारा भी कुछ बनता है ना। हाँ दीदी, जब दादा आएंगे तो पूरे रीति रिवाज के साथ ही उन्हें राखी बांधेंगे। हाँ, मैं भी भैया के साथ ही राखी बांधूंगा। पर पता नहीं नैतिक कब आएंगे, अभी तो उनकी कोई फ्लाइट का भी ठिकाना नहीं है। बुआ, दादी का कॉल आया था, सब वेट कर रहे हैं घर पर। बहू, मुन्ना को तो अब समय लगेगा आने में, तुम लोग हो आओ। जाइए भाभी माँ, अपने भाइयों को राखी बांध कर आइए। बहू चल, हो आते हैं, मुन्ना के आने तक हम लौट आएंगे। अनन्या बेटा, तूने वहां कुछ बताया तो नहीं ना कि मुन्ना नहीं आया है अभी तक? नहीं भाभी माँ। हाँ तो बताना भी मत बेटा, वो परेशान हो जाएंगे। और नन्नू बेटा, तू भी कुछ मत बताना, ठीक है ना? अरे राधे कृष्ण, आई आई आई। भाभी माँ, बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं आपके भाई, घड़ी 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 देख रहे हैं। मैंने इंतजार भी तो बहुत लंबा करवाया। भाभी माँ, आज सारी कसर निकाल दीजिए, 20-20 राखी बांधी हमें कम से कम। दादा, पहले कहते तो मैं हारी पिरो लाता, कलाई पे इतनी राखी आनी मुश्किल। इस एक धागे में इतनी शक्ति होती है ना कि वो मेरे भाइयों को हमेशा हर मुसीबत से बचाएगी। वैसे मेरे भाई कहाँ हैं? पूछ मत, तेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे, अब किसी ट्रैफिक जैम में फंसे होंगे। अच्छा, तू चिंता मत कर, आ जाएंगे अभी। भाभी माँ, तब तक आप शुरू कीजिए। हाँ। भाभी माँ, नंदिनी और रश्मि बिटिया को भी साथ ले आते, वहां तो राखी बन चुकी होगी ना। फूफा जी की मुंबई में फ्लाइट मिस हो गई है। हे भगवान, फिर अब? चिंता मत कीजिए राश्री बहन, उसने कहा है वो आ जाएगा। देखिए ना कैसी अजीब बात है, वहां जमाई से अटके हुए हैं और यहाँ शौर्य अंशु नहीं पहुंचे अब तक। इसका मतलब अक्षरा को जल्दी जाना होगा। नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है, दादू अंशु आ जाए, उन्हें राखी बांधूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। ठीक है फिर। बहू, टिकट मिल गई क्या? हाँ हाँ, वो फ्लाइट में भी बैठ गए, और जब तक वो यहाँ आएंगे ना तब तक हम घर वापस पहुँच गए होंगे। हम भी पहुँच चुके हैं अक्षरा। बाप रे, इतने सारे गिफ्ट्स, इतने सालों के ड्यू भी तो थे। दी, चलो ना प्लीज जल्दी से राखी बांध दो, फिर हम खा भी सकेंगे और ये गिफ्ट भी दिखा देंगे आपको। ये अच्छा है ना, मुझे इतना इंतजार करवाया और अब खुद जल्दी मचा रहे। पिछले कई दिनों से ना बच्चों की तरह परेशान कर रखा है तेरी गिफ्ट्स को लेकर। हाय मेरे रब्बा, कभी यहाँ से पार्सल, कभी वहां से पार्सल। हाय, मैंने तो लगता है कि पार्सल वालों को ना हमारा एड्रेस याद हो गया होगा। सच, बाल गोपाल की कृपा से आज बरसों के बाद ये त्योहार त्योहार लग रहा है। आजा बेटा शुरू कर। आइए दादा। रश्मि, कुछ खाना नहीं है तो कुछ पी तो लो, जूस चाय कॉफी कुछ तो। नहीं छोटी माँ, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, दादा ने फ्लाइट बोर्ड कर ली है। हाँ रश्मि, पर 3 घंटे तो लगेंगे ना, तब तक भूखी बैठी रहोगी।
क्यों नहीं बैठ सकते छोटी माँ? हम अपने पति के लिए पूरे दिन का व्रत रखते हैं, बच्चों के लिए भी व्रत रख सकते हैं, तो क्या अपने भाई के लिए कुछ घंटों के लिए भी नहीं रुक सकते? भाई बहन के मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। तो हो गई, पर ये इतने सारे गिफ्ट्स के लिए ना ट्रक भी मंगवाए या नहीं? हम पहुंचा देंगे दी, अब खोलियो तो सही। हाँ, पर ये तो बहुत सारे अंशु, इन्हें खोलते खोलते तो शाम हो जाएगी और घर भी पहुंचना है। एटलीस्ट दो तीन गिफ्ट तो खोल ले, बाकी घर जाके देख लेना। ये आपका फेवरेट कलर है ना दी? पर चाचू, वो आपका फेवरेट कलर रेड है। नहीं नहीं, ये भी पसंद है मुझे। अच्छा, तुझे ये जरूर पसंद आएगा। इसमें पता है क्या है? बचपन में जो तू मूवीज देखती थी ना, उन सब की डीवीडीज हैं। बड़ी मुश्किल से मिली हैं। हैट्स ऑफ टू दादू। वाह, मिक्की माउस और टॉम एंड जेरी, मैं तो खा जाऊंगा। अक्षरा, तुझे पता है बहुत पसंद आएगा तुझे। इसमें ना वो सारी चॉकलेट्स हैं जो स्कूल के बाहर मिलती थी, याद है ना तुझे? पापा, ये सारी चीजें अब कौन खाता है? आप कुछ भी ले आए हो। सॉरी अक्षरा, हम शायद तेरी पसंद का कोई भी गिफ्ट ना ला सके। हम भूल गए थे कि इन 10 सालों में आपकी टेस्ट, आपकी पसंद बहुत बदल गई। बेकार में इतनी मेहनत की हमने, इससे अच्छा तो आपसे पूछ ही लिया होता। किसने कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं आया? बहुत पसंद आया। आप दोनों ने इतनी मेहनत करके ये सब जुटाया है, ये मेरा गिफ्ट है। और सच कहूँ तो आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, अपने बिजी टाइम में से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं, मेरे लिए ये गिफ्ट है। गिफ्ट चाहे बदल जाए, जमाना बदल जाए, पर हम भाई बहन का प्यार तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना जैसे है। अच्छा चलिए, अब जल्दी से ये सारे गिफ्ट उठा के गाड़ी में रखिए, घर जाके खोलूंगी और फोन पे बताऊंगी कि कैसे लगे। आज दादा ने हद कर दी। आने दो उसको, अच्छे से खबर लूंगी मैं उसकी। खत्म हुआ इंतजार, मैं आ गया हूँ। जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। ये कोई तरीका होता है क्या? रश्मि, कुछ और कर ले, लेकिन बात करना बंद मत करना, वरना मेरा सर कौन खाएगा? सॉरी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दादा, आप उन्हें मना नहीं कर सकते थे क्या? आपको पता है हमने कुछ नहीं खाया है। अच्छा अच्छा रश्मि, बस वो भी तो भूखा होगा ना। अब जल्दी से राखी बांधो अपने भाई को और गुस्सा छोड़ दो। आपने भी कुछ नहीं खाया है। आप दोनों को क्या लगा सिर्फ अपनी पत्नी के लिए भूखा रह सकता हूँ, आप लोगों के लिए नहीं? चलिए अब जल्दी से राखी बांध दीजिए, अब रुका नहीं जा रहा मुझे, मैं चेंज करके आता हूँ। मुझे कुछ स्पेशल गिफ्ट देने वाले थे ना। चाहिए? पक्का? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ तो लाया हूँ ना मैं, लेकिन बाहर है, अभी मंगवाता। हाँ जल्दी, अब मैं और वेट नहीं कर सकती। आ जाइए प्लीज।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।